मेरा सेटअप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हो जाता है। कभी -कभी वो ट्रेड मुझे छोड़ना पड़ता है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है तो जब मैं ट्रेड ले, ले लेती हूँ मैं अपना ट्रेड किसी के साथ डिस्कस नहीं करती हूँ क्योंकि आपका ट्रेड खराब हो सकता है अरे मेरे पास तो सेल की खबर है अरे इसमें तो नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है इसमें ऐसा हो रहा है और बाद में वो ऊपर जाता है और फिर आप बोलते हो अरे मैंने उसका क्यों सुना मेरा ये जैसे अभी फाइव स्टार है इसमें से अगर कोई भी एक चीज मैच नहीं हुई आई इग्नोर द सेटअप खत्म बात नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूं ज्योति बुदिया और आज मैं आपके लिए नॉलेज लेके आई हूँ मेरे सारे सेशंस नॉलेज बेस ही रहेंगे फॉर एजुकेशन पर्पस और उसी के बेस पे मैं ट्रेड्स निकालती हूँ मैं बिना कोई सेटअप या सिस्टम डिज़ाइन किए ऐसे ही कोई भी ट्रेड नहीं लेती अगर कोई मुझे कह भी देता है कि इसमें बाय है इसमें सेल है ये ले लो मुझे पास इसकी खबर है ये दो साल में पचास 50 का पाँच सौ हो जाएगा दो हज़ार हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा अरे ले लो आज इसमें बाइंग है आज की आज ये आठ दस टका दे देगा नो no. जब तक मेरा सिस्टम मेरा सेटअप नहीं कहता मैं उसमें हाथ नहीं लगाती और मेरा सिस्टम अगर बाय कहता है सामने वाला उसको ना बोलता है एग्रीड माइंड वेवी हो जाता है कभी कभी वो ट्रेड मुझे छोड़ना पड़ता है बट अगर मेरा कन्विक्शन ज्यादा है मेरा सेटअप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आई विल नॉट लिसन टू एनी वैसे भी मेरी एक आदत है जब मैं ट्रेड ले लेती हूँ मैं अपना ट्रेड किसी के साथ डिस्कस नहीं करती हूँ क्योंकि किसी से भी डिस्कस करने से आपका ट्रेड खराब हो सकता है आपने बाय किया किसी से बात की अरे मेरे पास तो सेल की खबर है अरे इसमें तो नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है इसमें ऐसा हो रहा है क्या होता है हम भी घबरा कर उसे बेच देते हैं और बाद में वो ऊपर जाता है और फिर आप बोलते हो अरे मैंने उसका क्यों सुना तो ऑल दीज थिंग्स ना बहुत परेशान करती है इसीलिए इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए सिस्टम की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा इसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो एक सेटअप के ऊपर मैं डिस्कस कर रही हूँ आपको ये सेटअप अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मेरे पास बहुत सारे सेटअप्स हैं मैं वो सेटअप्स आपके लिए बिल्कुल यूट्यूब बनाकर दूंगी मांगिए तो सही मुझे पता तो चले कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आपको किस टाइप का सेटअप चाहिए इंट्राडे चाहिए मंथली चाहिए लॉन्ग टर्म चाहिए शॉर्ट टर्म चाहिए बीटीएसटी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग फिर से वीडियो बनाऊंगी और जैसा आप लोगों की रिक्वेस्ट या डिमांड होगी मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी आपके व्यूज़ आपके कमेंट्स मुझे हेल्प करेंगे कि मैं और कितने सेटअप्स बनाऊँ कैसे सेटअप्स बनाऊँ तो चलिए आज एक छोटा सा सेटअप डिस्कस करते हैं मैं उसे कहती हूँ फाइव स्टार सेटअप तो इसमें मैं क्या देखती हूँ फाइव स्टार सेटअप में मेरे फाइव स्टार सेटअप में मैं क्या क्या देखती हूँ एज यूजल सबसे पहला मेरा फेवरेट आर एस आई बाइंग में फॉर बाइंग सेटअप और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम सेल सेटअप भी बना सकते हैं तो जो बाइंग में अबाव होगा वो सेलिंग में बिलो हो जाएगा बाइंग आर एस आई अब फिफ्टी वाई अब फिफ्टी क्या है फिफ्टी के नीचे मुझे वो थोड़ा वीक लगता है मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगता है हाँ सपोर्ट हो और हो तो अलग बात है कि हम ले सकते हैं बट इट शुड बी अबाउव थर्टी थर्टी फाइव बट फिफ्टी के ऊपर वो बाइंग जोन में आ जाता है सेकेंड एमए सी डी पॉजिटिव क्रॉसओवर एमए सी डी में पॉजिटिव क्रॉसओवर आना चाहिए ये दो तो स्कैन बन जाते हैं और मैंने ऑलरेडी बना के यूट्यूब पर डाला है लिंक आपको मिल जाएगी इसी में यहां पे लिंक मेंशनड है आप देख लीजिएगा स्कैन जो मैंने बनाया है और स्कैन कैसे बना सकते हैं उस पर भी वीडियो बनाया है वो भी देख लीजिएगा तो आपको स्कैन बनाना भी आ जाएगा ये दो चीज़ तो स्कैन में मिल जाएगी बाकी तीन चीज को स्कैन में से निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है तो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है तो थर्ड मेरा पैरामीटर क्या होता है ई एम ए सिक्सटी वन प्राइस जो होता है वो अबाव सिक्सटी वन ई एम ए मैं ई एम ए सिक्सटी वन बहुत यूज़ करती हूँ आप मेरे कितने भी वीडियोस देखेंगे आपको बहुत जगह दिखेगा कि मैंने ई एम ए सिक्सटी वन यूज़ किया है और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओपन एंड लो नियर बाय वैसे तो मैंने बहुत बार ये भी बताया है लेकिन फिर भी बता देती हूँ लेटेस्ट से थ्री वन एट इज ओपन एंड थ्री वन एट इज लो तो आई विल से ओपन एंड लो सेम लेकिन अगर थ्री वन एट ओपन है एंड थ्री वन सिक्स लो है तो आई विल से ओपन एंड लो नियर बाय और आई वुड राधर प्रिफर इट टू बी थ्री मतलब रफली आप ये समझ सकते हो कि हाफ परसेंट अगर ये थोड़ा सा वेरिएट कर जाए बिकॉज मार्केट वो है तो थोड़ा फ्लक्चुएशन हो जाता है कभी आधा पौना टक्के का ओके प्लस फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर लोअर टाइम फ्रीम में मैं जाती हूँ तो मुझे उसमें पैटर्न दिखना चाहिए और मेरा फेवरेट पैटर्न है राउंडिंग बॉटम बाई है ना तो बाई में राउंडिंग बॉटम दिखे तो उससे अच्छा मुझे कोई पैटर्न नहीं समझ में आता है बिकॉज उसका रिजल्ट बहुत फास्ट है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है आज यही अगर मैं किसी से कहूँ ट्राइंगल है फ्लैग है तो वो आइडेंटिफाई करने में शायद थोड़ा टाइम लगे लेकिन राउंडिंग बॉटम जिसे हम कप के फॉर्मेट कप एंड हैंडल नहीं सिर्फ कप के फॉर्मेट में भी अगर बात करें कप एंड हैंडल भी मिल सकता है कोई बात नहीं है बट सिर्फ कप के फॉर्मेट में भी मुझे मिले तो मेरा काम बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन इसको मैं देखूंगी लोअर टाइम फ्रेम में सो so, पैटर्न इन लोअर टाइम फ्रेम दैट इज 15 मिनट्स नॉट मोर देन दैट उसके नीचे नहीं जाऊंगी इसके ऊपर नहीं जाऊंगी तो बाकी सब ये हो गया डेली डेली ये भी डेली ये भी डेली ये 15 मिनट्स ओके okay? तो चलिए सबसे पहले हम स्कैन में देखते हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप मार्केट में सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हो अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पैटर्न्स आपको सही एंट्री और एग्जिट लेने में हेल्प करेंगे ज्योति बुधिया मैम ने अपसर्च डॉट क्लब के टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में चार्ट इंडिकेटर्स ट्रेंड लाइन और स्टॉक सिलेक्शन जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिटेल कवर किए हैं अकॉर्डिंग टू आर टेन थाउजेंड प्लस लर्नर्स ये आपके ट्रेडिंग जर्नी को फास्ट ट्रैक करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। लेट्स गेट बैक टू वीडियो तो स्कैन में जब हम ये रन करते हैं एम ए सी डी ऑल क्रॉस्ट अबाउ तो डेली आर एस आई बुलिश अब बुलिश में हमको कौन कौन से स्क्रिप्ट मिल रहे हैं आई एफ सी आई एस आर शिपिंग ये अब इसमें हम एक और डाल सकते हैं कि मुझे पेनी स्टॉक्स में काम नहीं करना तो मैं एक और इसमें फिल्टर डाल देती हूँ कि वॉल्यूम सॉरी प्राइस वॉट आई विल से ओपन प्राइस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फिफ्टी वन मतलब मुझे पचास रुपये के ऊपर नहीं काम करना है नंबर यहाँ पे करके फिफ्टी वन राइट ये मैंने कर दिया फिर से रन कर दिया तो इसमें जो पैनी स्टॉक्स है वो वैनिश हो जाएंगे दस रुपया पांच रुपया बीस रुपया, वो सब जो है वो वैनिश हो जाएंगे स्टॉक कम हो गए अब इसके साथ हम चाहें तो वॉल्यूम भी डाल सकते हैं तो हमने एक और मेजरमेंट डाल दिया वॉल्यूम ये हमारे उसमें नहीं आएगा स्कैन में ये जस्ट हमारे ग्रेटर देन ये जस्ट हमारे इसमें आ जाएगा रेफरेंस में कि हमको यही स्टॉक में काम करना है तो लेटर से मैं तीन लाख डाल देती हूँ या दो लाख डाल देते हैं क्योंकि जिसमें दस हजार का वॉल्यूम हुआ हो या पांच हजार का तो उसमें हमें काम करके मजा भी नहीं आएगा तो रन स्कैन कर देते हैं देखिए अभी आप पंद्रह ही स्टॉक्स बचे हैं अब इनमें हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे क्योंकि दो स्कैन तो हमारे हो गए चलिए तो सबसे पहले हम आई करके देखते हैं डेली ये देखिए ये मेरा पूरा सेटअप वैसे का वैसा ही बना हुआ है आई तो आज अगर मैं देखूं तो आई का ओपन है 62.45 और लो है 62.31 पॉइंट यहाँ पर देखेंगे हम मेंशन किया है ओपन हाई लो क्लोज ओपन 62.45 टू पॉइंट लो सिक्सटी मतलब 14 पैसे का डिफरेंस है राइट तो इसका हाफ परसेंट अगर हम लें तो 30 पैसा होता है तो दिस इज विद इन आर रेंज ओपन एंड लो नियर बाय आर एस आई अबाउव फिफ्टी एम में पॉजिटिव क्रॉसओवर ई एम ए अबाउ सिक्सटी वन सिक्सटी वन के ऊपर है ओपन लो हो गए चार पैरामीटर मैच हो गए अब हम जाते हैं फिफ्टीन मिनट्स एंड इंट्राडे के लिए छोटा छोटा पैसा कमाना है तो उसके लिए ये अच्छा सेटअप है मैं इसे यूज करती हूँ अब अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये हमें एक राउंडिंग बॉटम मिला ई का के ऊपर है फिफ्टीन मिनट्स में भी ईएमए के ऊपर है यहाँ पे भी ये सब मेरे फेवर में है एम सी डी भी आर एस आई भी इवन इन फिफ्टीन मिनट्स तो चलिए एक बार हम टाइमिंग के लिए ईएमए को बंद कर देते हैं और ये हमारा एक राउंडिंग बॉटम जैसा या कप जैसा जैसे भी आप कहें वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मूवमेंट जैसा तो सबसे पहला मेरा टारगेट क्या होगा जो इसका डेप्थ होगा ये डेप्थ ये यहाँ पे कवर कर सकता है राइट right? कवर किया तो मतलब अगर ये ट्रेड मुझे 65 में भी हाथ आया सबसे पहली बात इसका स्टॉप लॉस हमारा स्टॉप लॉस होगा ओपन लो के नीचे एक परसेंट तो लेटेस्ट है सिक्सटी टू पॉइंट फोर फाइव ये हमारा लो है सिक्सटी टू पॉइंट सिक्स जीरो रफली हम ये पकड़ते हैं ये ओपन है ओके okay? तो इसके नीचे वन परसेंट सिक्सटी टू पॉइंट फोर फाइव के नीचे वन परसेंट रफली सिक्सटी पैसा नीचे तो सिक्सटी पैसा बिलो आएगा अराउंड अबाउट सिक्सटी वन पॉइंट एट फाइव पैसा ये हमारा एस एल बिना एस एल के मैं ट्रेड नहीं करूँगी दैट इज फिक्स एस एल हिट इज एस एल हिट फॉर मी मुझे उसके आगे अपना दिमाग नहीं लगाना है ये कहना कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है मेरा स्टॉप लॉस लेके ही ऊपर चला जाता है इन सब में मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है स्टॉप लॉस हिट हो गया एग्जिट हिट टेन गो टाइप का एस एल है मैं ना क्लोज की वेट करूंगी ना कुछ और क्योंकि जब मार्केट गिरने लगता है तो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है और फिर जब ये वाला टारगेट अचीव हो जाता है तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं अपना पार्ट प्रॉफिट बुक करो जिससे मुझे घर में थोड़ा पैसा आए उसके भी पहले मेरी एक और स्ट्रैटेजी है हमने बाय किया 65 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी टू तीन रुपये का है मेरा सबसे पहला टारगेट ये रहता है कि मैं अपना स्टॉप लॉस कवर करूं और कोइंसिडेंटली इंसिडेंटली यहाँ पर मुझे यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट बुकिंग मिल रही है तो मैं इसे क्यों छोड़ूँ इसने सिक्सटी फोर फाइव नहीं सिक्सटी फोर पर मुझे बाय दिया है तो दो रुपये के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस भी कवर हो रहा है और पार्ट प्रॉफिट भी बुक हो रहा है राउंड में हम बात करें तो सिक्सटी फाइव क्यों कि ये पहला वाला जो कैंडल है वो सिक्सटी फोर पॉइंट एट फोर का हाई बना के और सिक्सटी फोर के पास बंद हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि हमको 64 पे ही हाथ आए हमें 65 पे भी हाथ आ सकता है इसलिए मैं थोड़ा सा बफर लेके चलती हूँ जैसे ये क्रॉस हुआ अब मैं क्या करूँगी इनको यहाँ से डिलीट कर दूंगी और अब ये इसके बाद यहाँ पर एक और बड़ा वाला राउंडिंग बॉटम बन जाएगा इसी तरह से मैं काम करती हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट सेटअप बनाया है और सेटअप पे भरोसा भी है और सेटअप मुझे पैसा देता भी है तो मैं भले ही कॉम्प्लिकेटेड है भरोसा तो करूँगी अब आधा वहाँ बुक कर लिया प्रॉफिट पार्ट प्रॉफिट बुक कर लिया अब यही चीज मैं वापस ले जाके यहाँ पे रख देती हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग है अगर मैं निकल भी जाती हूँ इस लेवल पर तो नहीं तो हम ये कर सकते हैं कि लेटर से हम यहाँ पे निकल गए बट और अभी तक सवा ही बजे हैं राइट ये देखिए मैं अगर इस लेवल पे निकल जाती हूँ तो अभी तक कितना बजा है टाइम वन थर्टी हमारे हाथ में और टाइम है ये क्रॉस कर गया चलिए अब हम सब डिलीट कर देते हैं उसके बाद थोड़ा शेयर बच जाते हैं ना उसके बाद ये पीक रहता है पहले हमने ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया अब ये वाला जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे रख देते हैं और आज के मार्केट में नहीं आया बट मैक्सिमम पोर्शन आपका वन थर्टी तक निकल गया बचा हुआ सब निकल गया यहां पर ये मैंने देखा है इसमें आज मेरा ट्रेड था इसलिए आपको बता रही हूं कोई बात नहीं एस आर शिपिंग धानी चलिए अभी हम कुछ एफ एंडो टाइप की स्क्रिप्ट लेते हैं एक्सिस बैंक डेली पे जाएंगे एक्सिस बैंक तो और ई एमए डालेंगे ई एमए के ऊपर है चलिए अब ई एम बंद कर देंगे ज्यादा नहीं रखते हम इसमें जिससे क्या है कि प्राइस की शार्पनेस हमें दिखती रहे आरएसआई ऑलरेडी सेवेंटी के ऊपर है एमएसडी में बुलिश क्रॉस ओवर दिख ही रहा है तो ये सब हमको दिख गया ओपन लो दिखा है वन टू नाइन थ्री पॉइंट नाइन ज़ीरो वन टू नाइन थ्री पॉइंट नाइन जीरो ओपन एंड लो एकदम सेम है चलिए इसको फिफ्टीन मिनट्स में देखते हैं ऐसी बहुत बार आता है कि स्ट्रेट लाइन आती है चार्ट को रिफ्रेश कर देना बिल्कुल पैटर्न बन जाएगा या वेव्स बन जाएंगे तो क्या ये यह, यहाँ पे भी सब पॉजिटिव में है एम ए सी डी पॉजिटिव ये पॉजिटिव ई एम एम ए इज ऑल्सो अबाउ सिक्सटी वन प्राइसेस आर अबाउ सिक्सटी वन तो ये मेरा पहला राउंडिंग बॉटम मिल गया देखिए प्राइस ये आज का है और ये मिल गया कैन आई टेक ट्रेड यस तो ऐसा नहीं है कि मुझे कैश में करना है मुझे जहां मिले मैं उसी में कर सकती हूँ और इसके बेस पे क्या हम इंट्राडे ऑप्शंस कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं ये देखिए है। क्या कहते हैं टारगेट अचीव्ड। स्टॉप लॉस अगेन एज आई सेड। बिलो ओपन लो और यहाँ पे तो ओपन और लो सेम है तो इसलिए हम इसी के पास से देख के काम करेंगे लेटर से हमने वन थ्री वन ज़ीरो में लिया था और इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस डाला भी वन टू नाइन फोर अप्रॉक्सीमेटली ओपन लो था तो लेटर से वन टू एट जीरो या के आसपास का मैसेज ले लेते हैं अगर हमें ये बड़ा लग रहा है तो ओपन लो के इसमें हम एक काम और कर सकते हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ कभी कभी कोई कहता है कि भाई ये मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा एस दिख रहा है तो ये यहाँ पर एक लो है राइट ये जो लो है स्विंग लो जिसे कह दो या जहाँ पर प्राइस ने थोड़ा कंसोलिडेट किया है अगर ऐसा मिल जाए तो वन टू नाइन ज़ीरो बाइंग आ जाती है तेरह सौ पाँच के आसपास पंद्रह रुपये का एस है पहला काम है पंद्रह रुपया ऊपर दें जिससे हमारा एस का पोर्शन तो कवर हो जाए मुझे एस कवर करने का बहुत टेंशन रहता है कि मैं सबसे पहले एस कवर करूं अब इसका डिस्टेंस कितना है ये और इसको मैं ले जाती हूं यहां पर राइट टारगेट अचीव्ड, ये टारगेट अचीव होने के बाद मैंने थोड़ा स्टॉप लॉस कवर कर लिया बाकी जो बचा था उसमें से पार्ट प्रॉफिट बुक कर लिया अब क्या है अब मैं वेट कर सकती हूं इसमें दो चीज है फ्रेंड्स। अगर आर एस आई सेवेंटी के नीचे आए प्लस एम में क्रॉसओवर दिखे नेगेटिव डाउन साइड में तो वहां पर भी हम बैलेंस प्रॉफिट बुक कर सकते हैं नहीं तो ये लाइन टूटते ही हम वापस से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो फाइनल हमारा एग्जिट एक तरह से यहीं पे हो जाएगा पंद्रह रुपया मिला बीस रुपया मिला कुछ भी मिला छोटे छोटे अमाउंट से भी हम काम कर सकते हैं कैश में से निकाल सकते हैं फ्यूचर्स में से भी निकाल सकते हैं किसी भी तरह से इस तरह के सेटअप्स हम देख सकते हैं अभी एक और दिखाती हूं इंडिगो डेली इंडिगो का सेटअप देखिए ये तो हमारे फेवर में है लेकिन क्या मुझे ये ओपन और लो सेम मिला है नहीं मिला ट्रेड ही नहीं बना और कभी कभी तो ट्रेड छूट भी जाता है छूट गया छूट गया लेकिन मेरे सेटअप में आएगा तो ही लूंगी अगर वो भाग गया दूसरा कुछ मिलेगा तो ये नहीं मिला आज मुझे कोई बात नहीं और ये जो मैंने दोनों दिखाए थे आपको आईएफसीआई और एक्सिस बैंक एक्सिस मेरे हाथ से छूट गया नहीं मिला आईएफसीआई हाथ आ गया और देख लेते हैं एक दो एग्जांपल, हम बैंकों देख लेते हैं लेकिन बैंकों में क्या है अभी नेगेटिव दिखा रहे मॉर्निंग में तो नहीं था ना तभी इस लिस्ट में आया होगा बी ए एन सी ओ बैंको तो बैंकों में अगर हम देखें तो क्या ये ओपन और लो सेम है दस रुपये का फर्क है ये भी मेरे सेटअप में नहीं बैठा कल बैठा था आज नहीं बैठा अच्छा कल ये बैठा था दिख रहा है ना ओपन और लो आर एस आई अब सेवेंटी एमएसईडी पॉजिटिव ई एम ए डाल के देखें ई एम ए भी ऊपर है और ओपन रो भी है राइट कल छः परसेंट भी ऊपर था तो क्या कल ये फिफ्टीन मिनट्स में इसने मुझे ट्रेड दिया था तो ये देखिए ये सिनारियो कल का है तो इसके साथ हम क्या ये राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न नहीं बना सकते राउंडिंग बॉटम का मतलब क्या होता है कि प्राइस जो है वो नीचे जाता है एक सर्टन लेवल तक और वापस कवर कर लेता है जैसे इसको ब्रेक किया मुझे वेट नहीं करना है कि वो क्लोज हो और फिर उसका हाई ले मैं यहाँ पे बाई कर लूँगी मेरा स्टॉप लॉस इसमें बड़ा है तो यहाँ पे इसी के लो के नीचे वन परसेंट पे मैं अपना ऐसे लगा सकती हूँ राउंडिंग बॉटम वगैरह में मैं क्लोज का वेट इंट्रा डे में करूं तब तक तो फिर कुछ मिलेगा ही नहीं मुझे पैसा और खास करके कैश स्टॉक्स में वो जब भागते हैं तो किसी की सुनते ही नहीं है दे दिया टारगेट उसके बाद पूरे दिन कल देखिए साइडवेज में ही था कितना भी कर लो साइडवेज में ही था आज भी साइडवेज में ही था थोड़ा नीचे ही था अब आप कहोगे कि ये भी ओपनिंग में तो था ओपनिंग में था ना चलिए ठीक है तो मैं ये बनाऊं 9:15, 9:15 पे मैं कभी ट्रेड नहीं लेती मैं ट्रेड हमेशा 9:30 से स्टार्ट करती हूँ पहला पंद्रह मिनट में मार्केट को सेटल होने देती हूँ तभी तो मैंने यहाँ पे बाय किया है मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया है मैं यहाँ पे कर सकती थी लेकिन एक तो ब्रेकआउट भी यहाँ पर है और ये नाइन फिफ्टीन से नाइन थर्टी का कैंडल है उसके बाद मुझे ब्रेकआउट मिला वहां पे भी बाय कर सकती हूँ ओपन लो पे भी बाय कर सकती हूँ मेरी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी पे है क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट दे रहा है सब चीज पॉजिटिव जा रही है डे पॉजिटिव मेरा सेटअप पूरा पॉजिटिव सो फ्रेंड्स दिस इज द वे आई आइडेंटिफाई पांच पैरामीटर्स डाले ये पांच पैरामीटर्स मैच होते हैं इसलिए मैं इसे फाइव स्टार सेटअप कहती हूँ इस तरह से जो स्टडी हम करते हैं वो कितने पैरामीटर सेट होते हैं उसके ऊपर हम उसको उतनी ही रेटिंग देते हैं मेरा ये जैसे अभी फाइव स्टार है इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ मैच नहीं हुई आई इग्नोर द सेटअप खत्म बात इनकम्प्लीट नहीं लेना अरे नहीं चार मिल रहा है तो फोर स्टार कर देंगे थ्री मिल रहा है थ्री स्टार कर देंगे ऐसा नहीं है फिर थ्री स्टार का सेटअप बनाइए क्या पता आपके थ्री स्टार सेटअप में भी वो मैच नहीं हो रहा हो इसलिए जो भी बनाते हैं हम उसको परफेक्टली बनाए और उसी पे परफेक्टली टिके हुए रहें सिस्टम के बेस पे चलेंगे तो सिस्टम प्रॉफिट भी देगा लॉस भी देगा लेकिन लॉस को प्रॉफिट में बदलना सिर्फ सिस्टम के बस की बात है ओवरऑल अगर हर ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है मतलब जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है नेट ऑफ में अगर आप देखो तो आपकी बैलेंस शीट या आपका पॉकेट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए मैं ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं कर रही ओवरऑल ट्रेडिंग में मतलब अगर आप दस ट्रेड करें तो दस के दस नेगेटिव हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता आप ढूंढिए, देखिए प्रैक्टिस कीजिए और किस वैरायटी के सेटअप्स देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपके व्यूज और कमेंट्स ही मुझे बताएंगे कि मुझे अगला वीडियो कौन सा बनाना है नमस्ते